जय श्री श्याम दोस्तों। इससे के पहले वाले लेक्चर में अपन ने कंकाल तंत्र स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, जिसको अपन स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र, जिसको अपन ने दो भाग में देखा था, अपेंडिकुलर और एक्सियल। तो अपेंडिकुलर मतलब अनुबंधी वाला अपन खत्म कर चुके थे, जिसमें लगभग 126 अस्थियां अपन ने पढ़ी थी, जिसमें हाथ और पैर की, पेल्विक, स्केपुलर, कोलर बोन, ऐसी करके 126 अस्थियां अपन पढ़ चुके थे। अब अपन बात कर रहे हैं आज एक्सियल, अब अपन आज बात कर रहे हैं एक्सियल की, जिसको अपन ने अक्षीय कहा था, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 80। दो भाग थे इसके कंकाल तंत्र के। पहला था अनुबंधी कंकाल तंत्र, जिसमें अपन 126 हड्डियां कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हाथ, पैर, पैल्विक, स्केपुला और कोलर बोन हो गई थी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सियल, जिसे अक्षीय कहते हैं, जिसमें अस्थियों की संख्या है 80। आज अपन 80 अस्थियों की बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 80 हड्डियों में से रीढ़ की हड्डी की बात। रीढ़ की हड्डी की अगर अपन बात करें आज सबसे पहले, तो इसकी संख्या होती है, रीढ़ की हड्डी की अगर अपन बात करें तो इसकी संख्या होती है 26। रीढ़ की हड्डी जिस बैकबोन अपनी पीछे की है, जो यहाँ मस्तिष्क के पिछले भाग से लेके टेल हड्डी मतलब पीछे पूंछ वाली हड्डी तक जो जुड़ी रहेगी, उसे अपन क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, जिसकी संख्या कितनी है, तो 26 होती है। रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है, 26 होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ही स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के अंदर ही स्पाइनल कोड, जिसे अपन मेरु रज्जु कहते हैं। स्पाइनल कोड होता है जो हमारे पूरे शरीर में सिग्नल्स का आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क से शरीर और शरीर से मस्तिष्क की ओर। जितने भी सिग्नल्स हैं वो किसके माध्यम से अपने शरीर में गति करते हैं, तो स्पाइनल कोड के माध्यम से। और स्पाइनल कोड कहाँ सुरक्षित रहता है, तो 26 हड्डियाँ, किसकी, रीढ़ की हड्डी। कंकाल तंत्र में अक्षीय का काम है शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, और अनुबंध का मतलब था कि अपने शरीर में चलने फिरने में मदद करना। अपन बात कर रहे हैं अक्षीय की, जिसमें पहली अपन पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, जिसकी संख्या होती है 26। ये किसकी रक्षा करती है, तो स्पाइनल कोड की। और कहाँ होती है, तो पश्चिम मस्तिष्क से लेके जो टेल बोन, पुच्छ हस्थि जो हमारी नीचे तक है, वहां तक कौन सी अस्थियां होती हैं, तो रीढ़ की हड्डी। उनकी संख्या कितनी है, तो 26 होती है। काम क्या है, तो स्पाइनल कोड की रक्षा करना, मतलब स्पाइनल कोड जो है वो किसमें सुरक्षित रहता है, तो रीढ़ की हड्डी में। प्रत्येक रीढ़ में इस प्रकार से संरचना होती है, तो प्रत्येक रीढ़ में एक केनाल होती है। केनाल मतलब हिंदी में अगर बात करें तो गुहा, खाली स्थान, जिसे न्यूरॉन केनाल कहते हैं, जिसे न्यूरॉन केनाल कहते हैं। तो स्पाइनल कोड कहाँ पर सुरक्षित रहता है, तो रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी किसका भाग है, तो एक्सियल मतलब अक्षीय का, कि किसी ना किसी अंग की सुरक्षा कर रही होगी शरीर के, तो किसकी करती है, स्पाइनल कोड की, जिसको हिंदी में अपन मेरु रज्जु कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक होती है, तो पश्चिम मस्तिष्क से लेकर टेल बोन मतलब पुच्छ अस्थि जो पीछे तक नीचे तक है हमारी, वहां तक होती है। इस रीढ़ की हड्डी में जो बीच में गुहा है, जिसे अपन केनाल कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो न्यूरॉन। तो न्यूरॉन केनाल कहाँ पाई जाती है, तो रीढ़ की हड्डी में, जहां पर स्पाइनल कोड सुरक्षित रहती है, जो हमारे शरीर के सिग्नल्स को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से कहाँ पहुंचाती है, बॉडी तक। अपन ने पहली देख ली रीढ़ की हड्डी, जिसमें से 26 अपन देख चुके हैं। 26 संख्या होती है, इसमें स्पाइनल कोड सुरक्षित होता है। कहाँ से कहाँ तक होती है, तो पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाले मस्तिष्क से लेके तो टेल बोन तक होती है। इसके बाद इसके बीच में क्या होता है, तो केनाल होती है, जिसका नाम होता है न्यूरॉन केनाल। तो अपन 80 में से 26 की बात कर चुके हैं रीढ़ की हड्डी की, जिसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और वैसे अगर शुरुआती दौर में अगर बात की जाए बचपन के समय, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो दोनों अपन को याद रखना है, अगर कभी एग्जाम में 33 दिखे तो वो भी सही है, और 26 दिखे तो वो भी सही है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखेंगे। तो
अपन ने स्टार्ट कर दिया है अक्षीय कंकाल, जिसमें से 80 में से 26 अस्थियां अपन ने देख ली हैं। कहां पर होती हैं? तो रीढ़ की हड्डी में होती हैं। काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देना। और क्या होता है उसमें? तो उसमें न्यूरॉन कैनाल होती है 26, या फिर ऑप्शन में कभी आए तो 33 भी दिख जाता है। सेकंड की अगर अपन इसी में बात करें तो रिप्स, रिप्स जिसे अपन पसलियां कहते हैं, जिनको अपन पसलियां कहते हैं, जो अपने आगे वक्ष गुहा में होती हैं, जो हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा देती हैं। ये किसको देती हैं? हृदय तथा फेफड़े मतलब लंग्स को, हार्ट तथा लंग्स को सुरक्षा कौन देती हैं? तो रिब्स की हड्डियां, जिनको अपन पसलियां हिंदी में कहते हैं। इनकी संख्या की अगर बात की जाए, अगर जोड़ी में प्रश्न पूछे तो 12 जोड़ी, और वैसे अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या कितनी होती है? 24। रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। और अगर जोड़ी की बात की जाए तो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। काम क्या है? तो हृदय तथा लंग्स मतलब फेफड़े और हृदय, इन दोनों की सुरक्षा कौन करती है? तो रिब्स की हड्डी करती है। किसका उदाहरण है? तो अक्षीय का है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी अंग की सुरक्षा कर रही है। संख्या की बात की जाए तो 12 जोड़ी, या फिर टोटल वैसे संख्या पूछी जाए तो 24 होती है। ये तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले की अगर बात करें तो ट्रू, सेकेंड की अगर बात करें तो फॉल्स, और नीचे की होती है फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई हड्डियाँ। रिब्स की हड्डी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रू, सेकेंड है फॉल्स, और तीसरी कौन सी होती है? फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई। ट्रू की अगर अपन बात करें तो संख्या 1 से लेके 7 तक जो संख्याएं हैं 24 में से मतलब 12 जोड़ी में से 1 से 7 तक जो हैं वो कौन सी हैं? ट्रू हैं। फिर 8 से 10 तक की अगर अपन बात करें तो वो कौन सी हैं? फॉल्स हैं। और फ्लोटिंग की अगर अपन बात करें तो 11 और 12 मतलब सबसे नीचे 11 और 12 कौन सी होती है? फ्लोटिंग। 8 और 10 मतलब 3 ये कौन सी होती है? फॉल्स। और 1 से 7 मतलब 7 अस्थियां कौन सी है? ट्रू हैं। फॉल्स की संख्या है 3 और फ्लोटिंग की संख्या है 2। 1 से 7 होती हैं ट्रू, 8 से 10 होती हैं, 8, 9, 10 मतलब 3 कौन सी हैं? फॉल्स। और 11 और 12 कौन सी होती है? फ्लोटिंग। अब अगर अपन बात करें रिब्स की और आगे देखा जाए तो रिब्स आगे की ओर एक अस्थि से जुड़ी होती है। रिब्स आगे की ओर इस वाले पोर्शन में कॉलर के नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये स्टर्नम नामक हड्डी या अस्थि से जुड़ी होती है। प्रश्न आया हुआ है कि स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो रिब्स में पाई जाती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। अगर पूरी छाती की हड्डियों की अगर बात की जाए तो वो होती है 25, पूरी छाती की अगर बात की जाए। परंतु अगर प्रश्न पूछा जाए रिब्स या पसलियों की संख्या कितनी है तो 24 है, और जोड़ी में अगर बात की जाए तो कितनी है? 12 है। परंतु जैसे ही अगर वहां पर ब्रिस्ट या छाती की बात की जाएगी तो उसमें स्टर्नम को भी ऐड किया जाएगा, फिर संख्या कितनी हो जाती है? 25। तो आगे की ओर जो रिब्स है वो यहां पर किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम नामक हड्डी से। और पीछे की अगर अपन बात करें तो इससे पहले जो भी अपन ने टॉपिक पढ़ा है रीढ़ की हड्डी, पीछे की अगर बात की जाए तो यहां पर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है रिब्स पीछे की ओर, और आगे की ओर अगर बात की जाए तो किससे जुड़ी रहेगी? स्टर्नम से। स्टर्नम जो है ये 14 वर्ष की आयु तक प्रोटीन का निर्माण शरीर में करता है, उसके बाद स्वतः इसका कार्य बंद हो जाता है। अपन आगे देखेंगे जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड होती है जिसका काम होता है कि 14 वर्ष की अवस्था तक प्रोटीन का निर्माण करना, उसके बाद ये अस्थि अपना कार्य करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर जो अपन को याद रखना है रिब्स में हृदय तथा फेफड़ों की सुरक्षा करता है, 12 जोड़ी, नॉर्मल संख्या की बात की जाए तो 24, तीन भागों में ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग। 12 एक तरफ की अगर बात करें तो 1 से 7 तक कौन सी होती है? ट्रू होती है। 8, 9, 10 कौन सी होती है? फॉल्स होती है। 11 और 12 की बात की जाए तो फ्लोटिंग होती है, क्योंकि नीचे वाली जो पसलियां हैं ये पीछे तो जुड़ी होती हैं परंतु आगे के हिस्से में स्टर्नम में नहीं जुड़ी होती हैं 11 और 12, इसीलिए फ्लोटिंग। अगर ये पैक रहती है तो अपन जब सांस लेते हैं फेफड़ों से तो फिर ये नीचे यहाँ पर प्रॉब्लम होती, इसलिए जो दो ज्वाइंट हैं नीचे के फ्लोटिंग वाले 11 और 12 ये सिर्फ पीछे से जुड़े होते हैं, आगे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है, फ्लोटिंग की संख्या 2 है, फॉल्स की संख्या 3 है, और ट्रू की संख्या 7 है। पीछे किससे जुड़ी रहेंगी? तो कशेरुकी दंड मतलब मैं अपने रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहेंगी, जिन्हें वर्टिकल कॉलम कहते हैं। और आगे अगर बात की जाए तो स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती है।
जो 14 वर्ष तक प्रोटीन का निर्माण करती है शरीर में, उसके बाद स्वतः इसका कार्य करना बंद कर देती है। तो ये जो अपन ने देखी है, अभी रिब्स की बात कर ली है जिसकी संख्या कितनी है 24, इससे पहले रीढ़ की हड्डी की बात की थी उसकी थी 26, ये हो गई है 24, टोटल अगर अपन बात की जाए तो कितनी हो गई है 50। 80 में से 50 अपन खत्म कर चुके हैं। अपन लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा लगे कि ये शॉर्ट चीजें हैं, पर एक्चुअल एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन वन डे एग्जाम है उनमें इसी प्रकार की चीजें आती हैं, क्योंकि वहां पर अपन को डिस्क्राइब करके लिखना नहीं है, बस 4 ऑप्शंस आते हैं उन पर टिक करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आजकल एग्जाम में नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पर जो वन लाइन फैक्ट हैं या फिर जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वही आते हैं, तो इसी प्रकार से आते हैं। तो 80 में से अपन 50 अस्थियां खत्म कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं हेड, हेड मतलब सर की। इसमें टोटल अस्थियों की बात की जाए तो ये होती है 29। हेड में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। इसमें स्टर्नम भी अगर अपन ऐड करेंगे +1 तो फिर हो जाएगी 51। हेड की अगर अपन बात करें तो 29। हेड को अपन 3 भागों में बांटकर देखेंगे। हेड सिर की अगर अपन बात करें, इससे ऊपर वाले पोर्शन की, इस वाले की, तो इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 29। इसको अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले की अगर अपन बात करें तो खोपड़ी, जिसको स्कल कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो एक होती है हाइड बोन, और थर्ड की अगर अपन बात करें तो होती है ईयर बोन। हेड में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं। पहले की अगर अपन बात करें तो खोपड़ी स्कल की, सेकेंड हाइड बोन, और थर्ड होती है ईयर बोन। सबसे पहले अगर अपन बात करें खोपड़ी की, तो इसमें जो संख्या है वो है 22, हाइड बोन की संख्या 1 और ईयर की है 6, 3 इस कान में और 3 इस कान में। तो 22 और 1 23 और 6 कितनी होती है? 29। तो खोपड़ी की अगर अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें तो खोपड़ी में भी 2 भागों में अपन को पढ़ना है। एक पढ़ना है अपन को फेस बोन और एक पढ़ना है अपन को कपाल। फेस मतलब चेहरे की हड्डियां और कपाल जिसमें अपने बाल हो गए हैं, ये वाला पोर्शन पूरा कपाल कहलाता है। फेस में अगर बात करें तो इसमें अस्थियों की संख्या होती है 14 और कपाल में अगर बात करें तो होती है 8। ये प्रश्न आए हुए हैं कि टोटल हेड में कितनी होती हैं, तो 29 होती हैं। 3 भागों में बांट के पढ़ना है, खोपड़ी स्कल एक हो गया, हाइड बोन दूसरा पार्ट और ईयर बोन तीसरा पार्ट। सबसे पहले बात करें अपन खोपड़ी स्कल की, तो इसमें अस्थियों की संख्या होती है 22, जिसमें फेस बोन आएगा अपना जो अपन को फ्रंट जो दिखता है ये आंख नाक कान वाला ये वाला पोर्शन, इसमें संख्या होती है 14। कपाल इसकी अगर अपन बात करें ऊपर वाले की, तो इसमें होती है 8। अब जो 14 हैं इनमें से कुछ नाम याद रख लेते हैं, जैसे अपन बात करें नेसल बोन, इसके बाद अपन बात करें लैक्रिमल हो गया, नेसल हो गया, इसके बाद करें अपन मैग्जिला और मैंडिबल। ये प्रश्न आए हुए हैं इससे रिलेटेड कि नेसल बोन कहाँ पाई जाती है, ये नाक वाली, लैक्रिमल कहाँ आंख में जहाँ से आंसू का स्त्रावण होता है, मैग्जिला ऊपर वाला पोर्शन ये, और मैंडिबल जो सबसे मजबूत है जबड़े की हड्डी। तो इनकी संख्या देख लेते हैं, नेसल की होती है 2, लैक्रिमल की होती है 2, मैग्जिबल की होती है 2 और मैंडिबल की होती है 1। तो आपको थोड़ा सा ये भी चीज़ें याद रखनी क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि फेस बोन कितनी होती हैं, तो 14 होती हैं, नाम याद रखना है। नेसल बोन जिनकी संख्या है 2, लैक्रिमल जिनकी संख्या है 2, मैग्जिला जिसकी संख्या है 2 और मैंडिबल जिसकी संख्या है 1, जबड़े की जो सबसे मजबूत होती है। इसके बाद बात करें अपन कपाल की, तो इसकी अस्थियां कितनी होती हैं? 8। ओवर भी अपन ने देख लिया है खोपड़ी का, टोटल कितनी है 22, फेस में कितनी है 14 और कपाल में कितनी है 8। फेस के कुछ नाम याद रखने हैं, नेसल, लैक्रिमल, मैग्जिला और मैंडिबल। अब अपन बात करते हैं हाइड बोन की, तो हाइड बोन होती है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि के पास, हाइड बोन होती है यहाँ पर थोड़ी अंदर की ओर। जब व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो इसी हड्डी, यही हड्डी ब्रेक होती है। जब व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो कौन सी हड्डी ब्रेक होती है? हाइड बोन। ये हड्डी ब्रेक होने के बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फांसी देते समय व्यक्ति की कौन सी हड्डी ब्रेक होती है? तो हाइड बोन होती है, जो थोड़ी सी अंदर की ओर होती है थायराइड ग्लैंड के पीछे। अब अगर अपन बात करें ईयर बोन की,
तो इसकी संख्या है 6, मतलब एक कान में कितनी होगी 3, तो दोनों कान में कितनी होगी 6। 6 अस्थियां क्या है? पहले की अपन बात करें तो मेलियस, नाम याद रखना है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तीनों नाम याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये ध्वनि के आयाम को बढ़ाती हैं। जब अपन ईयर सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे उस समय तीनों हड्डियों को अच्छे से देखेंगे। या अपन कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं तो अस्थियां याद रखनी कहाँ पर कितनी होती हैं और क्या नाम है। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तीन याद रखनी है। मिस ट्रिक हो सकती है इसकी, MIS, मिस, मैं एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेप्स है। इसी पर एक मांसपेशी पाई जाती है स्टेपिडस, वो अपन देख चुके हैं। स्टेपिडस सबसे छोटी होती है, जो कि सबसे छोटी मांसपेशी भी है, और किस पे पाई जाएगी? हड्डी पे, जिसका नाम क्या है? स्टेप्स। तो कान में एक तरफ तीन हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, इनकी संख्या है 1-1, तो 3 एक तरफ हो गई और 3 दूसरी तरफ हो गई, तो टोटल कान में कितनी हो गई? 6, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। तो अपन ने ओवरव्यू देख लिया 29 हड्डियों का, ये तो टोटल 51 और 29 की अगर अपन बात करें तो 80 और 126 अपन पहले पढ़ चुके थे, तो टोटल कितनी? 206 अस्थियां अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो नॉर्मल ओवरव्यू होता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कंकाल तंत्र में अपन ने अनुबंधी कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर और एक्सियल अक्षीय, दोनों अपन ने खत्म कर दी है। उसमें 126 होती है जो कि चलने फिरने में मदद करती हैं, और अगर इनकी बात की जाए अक्षीय की, तो ये शरीर के अंगों की रक्षा करती हैं, जिनकी संख्या होती है 80। 80 कैसे होती हैं? तो 26 होती हैं कशेरुकी दंड में, मतलब बैकबोन की अगर अपन ने पीछे की बात की। इसके बाद रिप्स में होती हैं 26, एक स्टर्नम को जोड़ देंगे 27। इसके बाद अपन ने बात की खोपड़ी की, जिसमें होती है 29। तो टोटल करके 206 अस्थियां अपन देख चुके हैं। अब कुछ सेल्स देखनी है जिनसे प्रश्न आते हैं, कंकाल तंत्र रिलेटेड है। 3 सेल्स हैं जिनके नाम अपन को अच्छे से याद रखना है और उसके बाद इनके काम याद रखना है। पहले की अगर अपन बात करें तो पहली होती है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। सेकेंड की अगर अपन बात करें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। थर्ड की अगर अपन बात करें तो ऑस्टियोसाइट। तीन प्रकार की कोशिकाएं सेल्स अपन को देखनी है, कंकाल मतलब अस्थियों से संबंधित है। पहली है ऑस्टियोक्लास्ट, सेकेंड है ऑस्टियोब्लास्ट और थर्ड है ऑस्टियोसाइट। थर्ड कौन सी? ऑस्टियोसाइट। थर्ड है ऑस्टियोसाइट, CYATE, साइट। पहले की बात करें ऑस्टियोक्लास्ट की, तो इसका काम क्या होता है? तो जो अस्थियां, मृत अस्थियां, जिनको अपन ने नेफ्रोसिस कहा था जब अपन कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे, सेल चैप्टर, तो मृत कोशिका मतलब डेड सेल जो हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं। डेड सेल्स की अगर अपन बात करें तो ऑस्टियोक्लास्ट डेड सेल्स को खाने का काम करती हैं हमारे शरीर में। डेड सेल जितनी भी हैं बोन्स में, उनको खाने का काम कौन करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। इसीलिए इनको ईटिंग सेल, बोन ईटिंग सेल, इसीलिए इनको बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। तो प्रश्न आए हुए हैं कि बोन ईटिंग सेल किसको कहा जाता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर की अस्थियों में जो मृत कोशिकाएं, उनको खाने का काम कौन करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं, सेल्स, बोन ईटिंग सेल हो गया। सेकेंड की अपन बात करें ऑस्टियोब्लास्ट की, तो ऑस्टियोब्लास्ट का काम है नई कोशिकाओं को बनाना, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन करना, नई सेल्स का फॉर्मेशन करना किसका काम है? तो यह है अपने ऑस्टियोब्लास्ट का। इसीलिए इसे सेल फॉर्मिंग भी कहते हैं, इसीलिए इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है। प्रश्न आते हैं कि बोन ईटिंग सेल कौन है? तो ऑस्टियोक्लास्ट क्यों है? क्योंकि मृत कोशिकाओं को खाती है, मतलब डेड सेल्स को नष्ट करती है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? तो बोन फॉर्मिंग सेल है, मतलब ये नई सेल्स को बना के अस्थियों का निर्माण करती है, हड्डियों का, बोन्स का। ऑस्टियोसाइट की अगर अपन बात करें तो इसका काम है जो सेल्स पहले से हैं उनको परिपक्व करना, उनको परिपक्व करना, मतलब उनको जिस भी चीज की जरूरत है तो उनको वो देके
उन सेल्स को परिपक्व करना, मतलब मजबूत करना, उनके कार्य को प्रॉपर करने देना। तो ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है कि जो कोशिकाएं हैं सेल्स उनको परिपक्व करना, मतलब उनको मैच्योर करना, इसीलिए इसका नाम मैच्योर सेल, इसीलिए इसका नाम मैच्योर सेल रखा है। तो आपको जो याद करने वाली चीजें हैं कि बोन ईटिंग सेल किसे कहते हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट को कहते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल किसे कहते हैं, तो ओस्टियोब्लास्ट को कहते हैं। और मैच्योर सेल किसे कहते हैं, तो ओस्टियोसाइट को कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं उनको मैच्योर करने का काम किसका है, ओस्टियोसाइट का। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये देखना है। इसके बाद अपन ने थोड़ा सा ये और देख लेते हैं बोन मैरो कि बोन मैरो होती क्या है। अपन जब अस्थियां पढ़ रहे थे, कार्टिलेज और अस्थियां, तो अपन ने देखा था कि इस वाले भाग को अपन ने कार्टिलेज कहा था बोन्स के, और इस बीच वाले भाग को अपन ने बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसे हिंदी में कहते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा इंग्लिश में अगर बात की जाए तो बोन मैरो, यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। इस टॉपिक को अपन आगे भी पढ़ेंगे, पर यहाँ कंकाल तंत्र बोन्स से रिलेटेड है, अस्थियों से। इसलिए याद रखिए कि बोन मैरो कहाँ होती है, तो अस्थियों के जो मध्य भाग है, मतलब हड्डियों का जो बीच वाला भाग है, उसको अपन बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। और आजू और बाजू वालों को, मतलब उसके प्रारंभिक और अंतिम भाग को अपन कार्टिलेज, मतलब अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। यहाँ पर इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तीन प्रकार की सेल्स अपन ने देख ली, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। उसके बाद अपन ने बोन मैरो देख लिया है। बोन मैरो देख लिया। अब अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक है ज्वाइंट, जिसे कहते हैं संधि। ज्वाइंट जिसे कहते हैं संधि, जिसे अपन कहेंगे संधि। ज्वाइंट शरीर में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं। किस प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, संधि जहां पर मतलब दो अस्थियां आपस में आकर मिलती हैं उसको अपन ज्वाइंट कहते हैं। जहां पर दो अस्थियां आकर आपस में मिलती हैं उसको अपन लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। अपने शरीर में कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं और कहां कहां होते हैं, ये अभी अपन देखेंगे कि अपने शरीर में ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं और कहां कहां पर होते हैं। अपन बात कर रहे हैं ज्वाइंट की, संधि की। संधि क्या है, तो ज्वाइंट है जहां पर दो अस्थियों का मिलन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं, संधि कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली अगर बात की जाए तो इमूवेबल, इमूवेबल जिसको हिंदी में अचल संधि कहते हैं। सेकेंड की अगर बात की जाए तो स्लाइटली मूवेबल, जिसको अपूर्ण संधि कहते हैं। और थर्ड की अगर बात की जाए तो फ्री मूवेबल, फ्री मूवेबल जिसको पूर्ण संधि कहते हैं। तो तीन प्रकार की संधियां अपन को देखनी है, कौन कौन सी, इमूवेबल, स्लाइटली और फ्रीली, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। तीन प्रकार की संधि। संधि होती क्या है, जब दो अस्थियों का आपस में जहां पर मिलन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, संधि, ज्वाइंट कहते हैं। पहले की बात करें अचल की, अचल मतलब वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेंगी। तो अचल की अगर अपन बात की जाए तो अचल में आएगी अपनी ब्रेन और टीथ। ब्रेन और टीथ की जो अस्थियां हैं वो कभी भी मूव नहीं करती हैं उनके ज्वाइंट, क्योंकि अगर ये मूव हो गया तो फिर काम खत्म। तो ब्रेन की बोन्स, मतलब ब्रेन के ज्वाइंट और टीथ के जो ज्वाइंट है, टीथ में जो मैडिबल वाला पोर्शन है वो मूव करता है नीचे वाला, बट पर्टिकुलर टीथ की बात की जाए तो उसके ज्वाइंट कभी मूव नहीं करते हैं। तो वो किस में जाएंगे, मूवेबल में। सिर्फ एग्जांपल याद रखने की ब्रेन और टीथ किसके एग्जांपल हैं, इमूवेबल की। अब बात करें स्लाइटली मूवेबल की, जो थोड़े बहुत मूव करते हैं अचल। तो इसमें अपन ने अभी देखा रिप्स, सांस लेते हैं तो थोड़ी बहुत मूव करती हैं आगे की हड्डियां। और पीछे की अगर अपन बात करें वर्टिबल, वर्टिबल कॉलम की, पीछे की अगर अपन बात करें वर्टिबल कॉलम की, ये तो ये थोड़ा बहुत पोर्शन अपन को मुड़ने में, आगे झुकने में, पीछे झुकने में, दाएं बाएं झुकने में थोड़ी बहुत मदद करता है। तो स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण में आ जाएंगे रिप्स और वर्टिबल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी और आगे पसलियां, रिप्स। थर्ड अगर अपन बात करें फ्री मूवेबल, जो पूर्णतः घूमती हैं,
तो फ्री मूवेबल होती हैं पांच प्रकार की, फ्री मूवेबल होती हैं पांच प्रकार की। फ्री मूवेबल कितने प्रकार की? तो पांच प्रकार की। पहले की अपन बात करें तो बॉल एंड शोकेट जिसे कंदुक कहते हैं, जिसको कंदुक संधि कहते हैं, बॉल एंड शोकेट। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो हिंज, जिसको कब्जा कहते हैं, जिसको कब्जा संधि कहते हैं। थर्ड की अगर अपन बात करें तो पाइवोट, जिसको खोटी संधि कहते हैं, खोटी संधि जिसको कहते हैं पाइवोट, PIVYT। थर्ड की अगर अपन बात करें तो ग्लाइडिंग, थर्ड की अगर अपन बात करें तो ग्लाइडिंग, जिसको फिसलन कहते हैं, फिसलन मतलब फिसलना। फोर्थ की अगर अपन बात करें सैंडल, ये एक ही दिशा में मूव करती है। पहले की अपन बात करें बॉल एंड शॉकेट की, तो बॉल एंड शॉकेट के उदाहरण है अपने, सबसे पहले तो स्केपुला और फीमर या ह्यूमरस, इस प्रकार की गुहा होगी मतलब कैनाल होगा और उसमें इस प्रकार की जो हड्डियां मूव करेंगी उसको अपन कहते हैं बॉल एंड शॉकेट। मतलब ये हो गया शॉकेट और उसके अंदर ये बॉल मूव कर रही है। तो ये दो जगह हैं, एक तो अपना स्केपुला और ह्यूमरस, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है कंधे वाला वो किसका उदाहरण है? तो बॉल एंड शॉकेट का। तो यहां अपन कह सकते हैं स्केपुला प्लस ह्यूमरस, स्केपुला प्लस ह्यूमरस किसका उदाहरण है? तो बॉल एंड शॉकेट का। ठीक उसी प्रकार पेल्विक और फीमर, नीचे की हड्डी कूल्हे की हड्डी और फीमर जांघ की हड्डी, उनमें भी इसी प्रकार का मूव होता है इस प्रकार का। तो अपन कह सकते हैं पेल्विक प्लस फीमर, दो एग्जांपल याद रखने बॉल एंड शॉकेट के, स्केपुला ह्यूमरस, पेल्विक और फीमर। सेकंड अपन बात करें हिंज कब्जा, हिंज और कब्जे की अगर अपन बात करें, जैसे दरवाजे की बात करें तो एक और खुलता है कब्जे की वजह से, तो ठीक उसी प्रकार हाथ की कोहनी और पैर का जो पटेला वाला, जो अपना टांग का जो घुटने वाला पोर्शन है वो किसके उदाहरण है? तो हिंज के, कोहनी तथा घुटना, कोहनी तथा घुटना किसके उदाहरण है? हिंज के, कब्जे के, क्योंकि एक तरफ ही खुलते हैं। पाइवोट खोटी, खोटी जैसे किसकी, जिस प्रकार अपन किसी लकड़ी पे या खोटी पे अपना कपड़ा टांगते हैं, शर्ट्स टांगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पाइवोट, खोटी संधि। तो इसका उदाहरण है अपनी जो खोपड़ी है, स्कल की अगर अपन बात करें खोपड़ी की, तो ये किस पे है? तो ये जो कशेरुकी दंड है पीछे वाला, इस पर ये रखी हुई है, मतलब इसको एक प्रकार से खोटी पे रखा हुआ है अपनी खोपड़ी को। तो इसका उदाहरण है स्केल खोपड़ी, कहाँ पे? तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है इस पर ऊपर वाले हिस्से को ऐसा ले जाकर यहाँ पर रख दिया है। तो पाइवोट जॉइंट का उदाहरण क्या है? स्केल, अपन खोपड़ी की बात करें स्केल। थर्ड बात करें ग्लाइडिंग की, फिसलन की, तो इसमें आ जाएगा कार्पल, कार्पल और टार्सल, कार्पल और टार्सल। कार्पल कौन सी? ये जो अपन आठ अस्थियां देखी थी और इसी प्रकार ठीक पैर में नीचे की ओर जो थी पंजे के ऊपर वाली, वो उनको अपन ने कार्पल और टार्सल कहा था, क्योंकि ये मूव कराती है उंगलियों को। इस प्रकार से ग्लाइडिंग अपनी उंगलियों की होती है, तो कार्पल और टार्सल, कहाँ? टार्सल पैर में और कार्पल ये हाथ में कलाई की अस्थियां, किसके उदाहरण है? ग्लाइडिंग के। और अपन बात करें सैडल की, जो कि एक ही दिशा में मूव करता है, एक ही दिशा में मूव करता है, उसका एक उदाहरण याद रखना है आपको अंगूठा। अपने अंगूठे की बात करें तो ये जो इसी दिशा में मूव करता है, ना ज्यादा पीछे ना ज्यादा आगे, तो सैडल का उदाहरण है अंगूठा। ग्लाइडिंग का उदाहरण है कार्पल और टार्सल। पाइवोट खोटी की बात करें तो खोपड़ी स्कल की हो जाएगी। हिंज कब्जे की बात करें तो कोहनी तथा घुटना हो जाएगा। बॉल एंड शॉकेट की बात करें तो जिसको हिंदी में कंदुक कहते हैं, स्केपुला प्लस ह्यूमरस, स्केपुला ह्यूमरस। नीचे की अगर अपन बात करें तो पेल्विक और फीमर। तो इस प्रकार से कंकाल तंत्र का टॉपिक अपना खत्म होता है, जिसमें अपन ने अनुबंध कंकाल तंत्र देखा, अक्षीय कंकाल तंत्र देखा, उसके बाद अपन ने तीन अस्थियां देखी, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। उसके बाद अपन ने बात की ज्वाइंट संधि की, जिसको अपन कहते हैं मिलन, अपन कह सकते हैं अस्थि और अस्थियों का जहां पर मिलन होता है गुहा में, उसे अपन क्या कहते हैं? संधि। तो आज अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद।